हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक किस दिन जलाना है, कैसे जलाना है और किस समय जलाना है और इसमें क्या 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 चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैंने एक पटरा, साफ पटरा ले लिया है और उस पर ये देखिए इस तरह का हमें दिया लेना है। या तो आप आटे का ऐसे चार कोने वाला दिया बना सकते हैं, मिट्टी का चार कोने वाला दिया, या फिर आप गोल इस तरह मिट्टी का दिया ले सकते हैं। तो इसमें हमने दीपक जलाना है और उसके बाद हम लेंगे चावल। तो एक प्लेट या थाली में आप इस तरह से आप चावल ले लीजिएगा और उसके बाद जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ही हमें चाहिए ये देखिए इन चीज़ों की आवश्यकता है। यह है रोली और जिसे हम बनाएंगे और फूल है, कुछ मीठा है, आप बतासे भी ले सकते हैं। और ये चार रुई की बाती हैं, इस तरह लंबी लंबी बाती बनानी है। कुछ सिक्के हैं, माचिस की तीली है और सरसों का तेल चाहिए इसमें, जिससे हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो चलिए अब हम पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह आप कोई भी साफ जगह या फर्श जमीन पे भी इसको बना सकते हैं, पर वो अच्छी तरह साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो इसमें चावल का स्वस्तिक बना लीजिए या फिर ऐसे कुछ भी आप नीचे बना सकते हैं। आप आटे का भी बना सकते हैं, कोई रंगोली टाइप की आप बना लीजिए, रंगोली से बना सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से रोली से बनाऊँगी और स्वस्तिक बनाऊँगी। मुझे स्वस्तिक बनाना बहुत अच्छा लगता है और स्वस्तिक शुभ भी माना जाता है, तो इसलिए मैं स्वस्तिक बनाऊंगी। हर काम में जो स्वस्तिक है हर पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। यम का दीपक हम धनतेरस वाले दिन रात को इसकी पूजा की जाती है और रात को इसको घर के बाहर रखा जाता है। या तो भी कई लोग जो है इसको दीपावली में मतलब अमावस्या की रात को रखते हैं और कई लोग इसको पाँचों दिन रखते हैं। वैसे आप धनतेरस को यम का दीपक जलाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और यम की पूजा का जो समय होता है इसमें कोई वैसा कोई समय तो नहीं है, मतलब आपको रात को ही जलाना है। लेकिन जो ख़ास बात का ध्यान हमें ये रखना है कि जब ये दीपक हम अपने घर के सामने रखें तो घर का कोई भी सदस्य, मतलब दीपक जलाने के बाद जब हम यम का दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के बाद ध्यान रहे कि घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जाए। जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, जब आपको लगे कि हाँ नहीं जाना है बाहर, तब आप ये दीपक आप बाहर रख सकते हैं। तो एक प्लेट पे मैंने रख दिए हैं चावल। तो चावल रखने के बाद इसमें हमने जिसमें दिया जलाना है, आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया, तो इस तरह से हम इसको बीच में सेंटर में रख देंगे। उसके बाद इसमें हम बाती, इस तरह से चार अलग अलग बाती हमने लंबी लंबी बनाई है, तो इस तरह से हम रुई की चारों बाती को लगा देंगे इस तरह से। और बाती लगाने के बाद इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। और यम के दीपक में हम डालेंगे सिक्का, तो आप 1 रुपये का 2 रुपये का जो भी सिक्का हो आप डाल सकते हैं। कई लोग इसमें कौड़ी डालते हैं तो आप कौड़ी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कौड़ी नहीं डालती क्योंकि मैं यम का जो भी हम दिया जलाते हैं बाहर, मैं उस वापस अंदर नहीं लेके आते, तो इसीलिए मैं कौड़ी नहीं डालती। आप चाहें तो कौड़ी डाल सकते हैं। तो चारों बाती को हम जला देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे अक्षत यानी कि चावल। तो इस तरह से यम जी की पूजा होती है और जो यम के नाम का हम दिया जलाएंगे उसको चारों तरफ से रोली से हम टिक्का लगाएंगे और टीका लगाने के बाद अगर आपके पास फूल है तो इसमें आप फूल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यम देवता को हम फूल समर्पित करेंगे। अब फूल समर्पित करने के बाद कुछ मिष्ठान, आप खीर बतासा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास मीठा हो वो आप समर्पित करेंगे। और घर के सभी सदस्यों को इसमें शामिल होना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य आ जाएं तब आप ये पूजा करिए। और जो घर की महिला है, बड़ी महिला, वही पूजा करती है। और इस पूजा में आप इस तरह से सिक्का लेके, जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर है उतना सिक्का लेके इस तरह से घुमा के आप यहाँ पे रख दीजिएगा। मतलब जितने अगर मेंबर करे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं करे तो उनकी जगह आप ही उनके नाम का सिक्का लेके घुमा के इस तरह से रख सकते हैं। यानी इसे घुमा के उनके नाम का फैमिली, मतलब जितने फैमिली में लोग हैं, एक एक सिक्का आप रख दीजिएगा। और उसके बाद एक लोटे में जल लीजिए और जल को हाथ में लेके इस तरह चारों तरफ से घुमा के यम देवता का नाम लीजिए।
तो इस तरह से पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद सभी प्रणाम करिए और जो दिया होता है इसको घर के बाहर दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए और दक्षिण दिशा में रखे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए इस तरह से आप पेट उठा के इसको दक्षिण दिशा में रखना है और सुबह जब ये दिया जल जाए तो आप ये जो इतने मेंबर के हिसाब से सिक्के रखे थे ये भी आपने सुबह जो है इसको आप दान कर सकते हैं। जो चावल है चावल को भी आप दान कर दीजिएगा और दिए को घर के अंदर नहीं लाना है और दिए के अंदर सिक्का है इसको भी आप दान कर दीजिएगा। चावल या तो आप पक्षों दे सकते हैं या तो इसमें और चावल मिला के आप इसको किसी को भी दान में दे सकते हैं यानी। और जो प्लेट है स्टील की इस प्लेट को आप धो के अंदर ले जाइएगा और जो प्रसाद है इसको आपने खाना नहीं है इसको भी आप जो है बाहर पक्षियों को डाल दीजिए। जब आप बाहर दिया रखने जाएं तो यम देवता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आप हमारी पूजा यहीं से स्वीकार करिए और जिस तरह से ये दिया चारों तरफ से जल रहा है ठीक उसी तरह आप हमारे परिवार में आने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं प्रॉब्लम हैं उसको आप बाहर से ही नष्ट कर दीजिए और उसको अंदर मत आने दीजिएगा। उसके बाद हम सीधा ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और के अंदर आ जाएंगे। तो ये रही ये छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी।